नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स आज यू जी एस टी जीरो वन स्टैटिस्टिकल मैथर्स के फोर्थ ब्लॉक कोरिलेशन रिग्रेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी वैसे तो इस ब्लॉक में फोर यूनिट्स हैं जिसमें एथ यूनिट या इस ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट कह है सकते हैं बाय डेटा एंड कोरिलेशन नेक्स्ट रिग्रेशन नेक्स्ट कोरिलेशन एंड इंट्रा क्लास कोरिलेशन एंड नेक्स्ट थोरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं अब पर्टिकुलरली यूनिट एट की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें बाईवेरेट डेटा एंड कोरिलेशन बाई डेटा एंड कोरिलेशन इसमें क्या है इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव स्कैटर डाइग्राम कार्ल पियर्सन कोफिशियट ऑफ कोरिलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट्स लिमिट्स ऑफ को रिलेशन कोफिशियंट इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द कोरिलेशन कोफिशियंट और लास्ट समरी कि आपने इसमें क्या क्या सीखा ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट को पढ़ने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट्स यू शोड टू बी एबल टू डिस्कस बायर एड डेटा एंड स्कैटर डायग्राम डिफाइन कोरिलेशन कोफिशियंट एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट मतलब इस यूनिट में बायोरियड डेटा और स्कैटर डायग्राम के बारे में डिस्कस किया जाएगा कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट को डिफाइन किया जाएगा और कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में बताया जाएगा बायोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बायोरियड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स इज कॉल्ड बायो डिस्ट्रीब्यूशन वह डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि दो वेरिएबल्स दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को बाइ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ स्कूल या डेली पेट्रोल यूज बाई ए स्कूटर ओनर एंड द माइलेज कवर्ड बाई इट इसमें एक वेरिएबल आपका हाइट हो गया दूसरा वेरिएबल वेट हो गया फ्रीक्वेंसी इससे पहले के यूनिट्स में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा है क्या होती है फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी वह होता है जिसमें कि कोई भी वेरिएबल आने के चांसेस या बार बार कितनी बार वह रिपीट हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर सपोज एक्स आई एंड वाई आई वेयर आई इज इक्वल्स टू वन टू थ्री टू एम एंड जे इज इक्वल्स टू वन टू थ्री टू एन बी अ बाई डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ अ पेयर एक्स आई वाई जे अकर्स एफ आई जे टाइम्स देन एफ आई जे इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेयर एक्स आई वाई जे एंड द टोटल डिनोट्स बाई एन पेयर एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब जिस तरीके से वहाँ पर हम लोग समोशन ऑफ एफ आई को टोटल फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट करते थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एफ आई जे समेन ऑफ एफ आई जे को हम लोग टोटल फ्रीकवेंसी से डिनोट करेंगे दिस यूनिट कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन जनरल टू वेरिएबल्स आर सेट टू बी रिलेटेड इफ दे आर टूगेदर इन दिस्टेमैटिक फैशन इफ टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन आई दर बोथ इनक्रीज और डिक्रीज दे आर सेट टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड इफ़ द वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन और वन इंक्रीज और अदर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा दे आर सेट टू बी नेगेटिवली कोरिलेटेड मतलब अगर हम दोनों वेरिएबल्स एक डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं दोनों ही चीज़ें एक पर डायरेक्शन सेम है या तो सेम डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में वो डिक्रीज कर रहे हैं तो वो कोरिलेशन हमारा पॉजिटिवली कोरिलेशन होगा या जो हमारे दोनों दोनों वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिवली को रिलेटेड होंगे पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे एक दूसरे से और अगर एक का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है या फिर पहला डिक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है देन दे आर सेट टू बी नगेटिवली को रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो वेरिएबल्स लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड अगर एजुकेशन का लेवल हाई है हमारा तो लेवल ऑफ इनकम भी हमारी हाई होगी अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो नेचुरली इनकम भी हाई होगी तो ये दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ इनकम ये पॉजिटिवली रिलेटेड है वाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ प्रोड्यूस इज दी है एक अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं द वेट ऑफ एन एडल्ट डिपेंड्स टू द सम एक्सटेंट ऑन द हाइट सिमिलरली देयर आर टू फंक्शनल फॉर्म और शेप्स इन विच टू वेरिएबल्स माइट बी रिलेटेड हाउ एवर इन दिस यूनिट वी विल बी कंसिडर्ड विद लीनियर रिलेशनशिप ओनली बिटवीन द वेरिएबल्स रिलेशनशिप दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाई अ स्ट्रेट लाइन इससे पहले भी बताया था को हम कब यूज़ करते हैं जब दोनों में लीनियर कोरिलेशन हो लीनियरली रिलेटेड हैं दो वेरिएबल्स तब हम यहाँ पर ये कार्लसन को रिलेशन कोफिशन को हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अ लेनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स जहाँ की ए इंटरसेप्ट है बी स्लोप है तो और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में डिफाइंड है वाई स्टडिंग ए बाई वेरिएट रिलेशनशिप सेवरल क्वेश्चन आर इंटरेस्टेड आर द टू वेरिएबल्स रिलेटेड इज द रिलेशनशिप लीनियर और नॉन लीनियर हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप एट्सट्रा अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो एक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में रिलेट कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है लीनियर है या नॉन लीनियर है और कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है उनके बीच में वॉट इज़ द नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप का नेचर क्या है वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सचैसैटर्ड प्लॉट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर यूज टू आंसर दीज क्वेश्चन इन क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ही इस ब्लॉग की स्टडी हम लोग करेंगे और किसके फॉर्म में इनके आंसर्स मिल सकते हैं स्कैटर्ड प्लॉट के फॉर्म में कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस के फॉर्म में स्केटर डाइग्राम स्कैटर डायग्राम को किस तरीके से हम बनाते हैं या ये क्या होता है ए सिम्पल मोड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोरेट डेटा इज द यूज़ ऑफ स्कैटर डायग्राम और डॉटेड डायग्राम और डॉट डायग्राम इसमें क्या करते हैं सिंपल ग्राफ पेपर होता है या एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें कि हम एक्स आई वाई आई पेयर को प्लॉट करते हैं अगर हम एक्स एक्सिस पर एक्स आई की वैल्यूज वाई एक्सिस पर वाई आई की वैल्यूज ले लेते हैं जे और आई जो आई या जे है वो हमारा वन से लेकर के एन तक है तो एक्स एक्सिस पर एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेके xn एक्स एन तक और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज जाएंगी वो वाई वन वाई टू वाई थ्री से लेकर वाई एन तक जाएंगी और उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पर डॉट प्लॉट करते हैं तो जो पहला डॉट हमारा आएगा एक्स वन वाई वन का डॉट वो एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट होगा जो वैल्यू आएगी पेयर की वैल्यू होगी x1 y1 की वैल्यू वो हमारे एक डॉट के रूप में उस प्लेन पेपर पर डिफाइन होगी और कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ आ जाएगा अगर ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है केस वन से लेकर के फिफ्टीन तक हमारे पास केस हैं जिनकी एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास हैं फर्स्ट केस के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज सेवन और नाइन सेकेंड केस के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ ट्वेल्व एंड सिक्सटीन सिमिलरली थर्ड के लिए एट एंड फोटी एंड सिमिलरली फिफ्टीन के लिए थर्टीन और एटीन है अब हमने x एक्सिस पर x की वैल्यूज सपोज एजुकेशन है x तो x की वैल्यूज ले ली हमने वन से लेके फिफ्टीन uh, या वन uh, से लेके ट्वेंटी तक इसमें हम ये देख लेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू x की हमारी एट्टीन शो कर रही है तो यानी कि मिनिमम 18 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ 20 तक उसे शो कर लिया है और y की वैल्यूज भी अगर हम देखें तो हमारी मैक्सिमम y की वैल्यूज 19 तक गई है इट मीनस उसको भी हमने एक बढ़ा करके 20 तक प्लॉट स्केल ले लिया है उसके बाद पहली वैल्यू x का पहला जो डॉट है x सेवन और नाइन x सेवन को अगर हम लेते हैं तो ये सेवन यहाँ पर एक्स सेवन और ये एक्स नाइन का ये एक प्लॉट आया जिसको कि हमने ले लिया तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स सेवन और नाइन ये जो पॉइंट है ये हमारा विद इन द ब्रैकेट सेवन और नाइन को शो करेगा तो इस तरीके से हमने ये प्लॉट हमारा ये वाला जो पॉइंट हो गया ये सेवन और नाइन का पॉइंट हो गया इसी तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लिया अब ये जो हमारा डॉटेड ग्रा, ग्राफ आ रहा है इसको हम स्केटर्ड डायग्राम या फिर डॉट डायग्राम कह सकते हैं या कहते हैं कई केसेस में ये लीनियर नहीं होता है तो ये इत, इतने तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं लीनियर नेगेटिव या मॉडरेट नॉन लीनियर या इन्वर्टेड यू शेप हैट्रोसेडिस्टिक होमोसेडिस्टिक हैट्रोसेडिस्टिक में जो हम लीनियर लाइन line, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे उससे वो बहुत दूर दूर पॉइंट्स जो है वो बहुत दूर दूर ये इस तरीके से काफ़ी दूरी लेकर के इन वे पॉइंट्स आ रहे हैं और अगर हम ये होमोसेटिस्टिक के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म की गई है उससे एकदम पास 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 ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसी तरीके से ये कुछ फिगर वन टू एंड थ्री है फिगर वन में पॉजिटिवली कोरिलेशन दिखा रहा है दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है फिगर टू नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है वाई की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है बट एक्स की वैल्यूज डाउनफॉल आ रही है दोनों अलग अलग हैं और जीरो कोरिलेशन मतलब कि कोई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है और वहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू हमारी जीरो है यानी कि एक्स और वाई दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं नाउ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ़ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मतलब आपका ये भी कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कोरिलेशन एनालिसिस इज टू मेजर इज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप लीनियर भी ऐड कर सकते हैं आप ये लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कोरिलेशन कोफिशियंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं आगे इसको देखते हैं फॉर मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वी यूज़ द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियन डिफाइंड जिसको डिफाइन किया गया है इस फॉर्मूले से आर एक्स वाई आर एक्स आर से हम कोरिलेशन कोफिशन को यूज़ कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशन का फॉर्मूला है ये कार्ल पियर्सन ने इन्वेंट किया था कार्ल पियर्सन ने इसको ड्राइव किया बनाया था बताया था सबसे पहली बार तो इस कोरिलेशन कोफिशेंट को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशेंट भी कहा जाता है जिसका फार्मूला है आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई इससे पहले हम लोग मोमेंट्स पढ़ चुके हैं तो मोमेंट्स के टर्म में ये म्यू वन टू डिड बाई म्यू वन वन एंड म्यू टू टू हो है को वेरियंस का जो फार्मूला है इसके एक्सटेंडेड फार्मूले के उसमें अगर हमने देखा तो को वेरियंस इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉन एन समय माइनस एक्स पार एंड वाई आई माइनस वाई बार अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एन वैरियंस का फार्मूला वन अपॉन एन समय माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड वाई वेरियंस ऑफ वाई का फार्मूला वन अपॉन एन समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है वो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस वाई बार एंड अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इसको भी और भी सॉल्व किया तो ये नीचे का फॉर्मूला आ गया आपके पास जिसमें कि प्रोडक्ट दो कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो डिफाइन किया गया हुआ है और समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई समेन ऑफ वाई आई डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अंडर रूट होल का अंडर माइनस समेशन ऑफ होल स्क्वायर। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं एक्स की वाई की अगर हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई हैं एक्स आई वाई आई जैसे एक्स की वैल्यूज हैं हमारी सेवन ट्वेल्व फोर्टीन एंड सो ऑन थर्टीन तक y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 9, 16, 14, 12 अप टू 18 तक अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हमको एक प्रोडक्ट चाहिए हमें टोटल वैल्यू चाहिए एक्स आई वाई आई की यानी एक्स आई और वाई आई के मल्टीप्लिकेशन का होल टोटल क्या आ रहा है हमें वो चाहिए समेशन ऑफ़ एक्स आई चाहिए यानी x का टोटल x की सारी वैल्यूज़ का टोटल क्या आ रहा है वो चाहिए समेशन ऑफ़ वाई आई चाहिए y की सारी वैल्यूज़ का टोटल क्या आ रहा है वो चाहिए और समेशन ऑफ़ एक्स आई स्क्वायर यानी जो एक्स आई हमारे पास है उसका स्क्वायर एक्स आई जो भी वैल्यूज हैं उसके स्क्वायर का टोटल हमें चाहिए सेम एज वाई आई के स्क्वायर का टोटल वैल्यू चाहिए तो उसको अगर हम टेबल के फॉर्म में जाते हैं एक्स का टोटल वैल्यू हमने निकाल लिया वन एट्टी वाई की टोटल वैल्यू निकाली टू टेन एक्स आई वाई आई अब हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई वाई आई की वैल्यू आएगी सेवन मल्टीप्लाइड बाई नाइन इक्वल टू सिक्सटी थ्री सेम इसी तरीके से करते हुए गए और इसकी एक टोटल वैल्यू हमने निकाल ली एक्स आई वाई आई का टोटल आया टू फाइव सेवन सेवन ऑफ एक्स आई वाई आई अब उसके बाद हमने देखा था वहाँ पे कि हमको क्या चाहिए एक्स आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर के लिए हमने फर्स्ट कॉलम जो है एक्स आई उसकी वैल्यूज का स्क्वायर किया सेवन मल्टीप्लाइड बाई सेवन इज इक्वल्स टू फोर्टी नाइन ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व इज इक्वल्स टू वन वन फोर सिमिलरली एट मल्टीप्लाइड बाई एट इज इक्वल्स टू फोर एंड सो ऑन तो इसका जो सबसे लास्ट में हमारा टोटल आया वो आया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या आया हमारे पास टू थ्री टू ज़ीरो सेम एज सारी मल्टीप्लिकेशन हमने सेम उसी तरीके से करी वाई आई स्क्वायर

इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुटअप कर दी एन की वैल्यूज़ समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई समेशन ऑफ़ एक्स आई समेशन ऑफ़ वाई आई समेशन ऑफ़ एक्स आई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर इन सबकी वैल्यूज़ को पुटअप किया तो हमारा को रिलेशन कोफ़िशेंट की वैल्यू आती है पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फोर थ्री एज अ मेजर ऑफ़ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियरली रिलेटेड वेरिएबल एक्स एंड वाई हमारे पास दो लीनियरली रिलेटेड वेरिएबल्स थे ये लीनियर शब्द बार बार यूज़ हो रहा है लीनियर को रिलेशन कोफिशियंट अगर होता है या वेरिएबल लीनियरली रिलेटेड होते हैं तभी हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा आर की वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो पॉइंट फोर थ्री अब कैसे हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो आर की वैल्यू है ये कितना सही आई है और कितना गलत आई है ये पॉइंट जीरो फोर थ्री ये वैल्यू हमारी ठीक है या गलत है इसके लिए अगर हम इसके थर्ड पॉइंट पर जाते हैं कोरिलेशन कोफिशियंट कैन रेंज इन वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू तो प्लस वन यानी कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यू हमारी माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही रहेगी ना तो वो माइनस वन से कम होगी ना वो प्लस वन से ज्यादा होगी तो इट मीन्स हमारे पास आर की वैल्यू आई है जीरो पॉइंट फोर थ्री इट मीन्स हमारे आर हमारा आर जो है वो सही आया है जो एक देखने से पहली बार देखने से लग रहा है कि ये हमारी वैल्यू सही है कैलकुलेशन अगर सही है तो ये वैल्यू हमारी सही है क्योंकि वो विद इन द रेंज है माइनस वन से प्लस वन के बीच में पॉइंट जीरो फोर थ्री ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड कोफिशेंट आया है इसका जो एक्स और वाई है दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं वही यहाँ पर साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द आर में लिखा हुआ है द पियर्सन कोरिलेशन टेल्स टू थिंग्स अबाउट ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई फर्स्ट द साइन ऑफ आर पॉजिटिव और निगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है अगर एक्स एक्स uh, और वाई का डायरेक्शन सेम है सेकेंडली द एब्सलूट मैग्नीट्यूड ऑफ आर रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड कोरिलेशन आर रेंजेज कैन रेंज इन वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन तो हमारा जो कोरिलेशन इस पर्टिकुलरली एग्जांपल में हमने लिया था वो पॉजिटिवली लीनियरली रिलेटेड है अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट प्रॉपर्टीज क्या है उसको अगर एक बार हम देख लेते हैं द कोरिलेशन कोफिशियंट इज ए प्योर नंबर हैविंग नो यूनिट कोरिलेशन रिलेशन की कोई यूनिट नहीं होती है कि सेंटीमीटर हाइट सेंटीमीटर में है या वेट केजीज में है तो उसकी कोई यूनिट है वो विदाउट यूनिट होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है द कोरिलेशन कोफिशेंट आर लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन कोरिलेशन कोफिशेंट अभी जस्ट बताया था कि इसकी वैल्यूज़ माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही वैरी करती है इट इज़ नॉट एफेक्टेड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल दैट इज इफ यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड वी इज इक्वल्स टू वाई माइनस वी मतलब कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया जाता है तो उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यानी कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी इफ कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई बी आर एंड रिग्रेशन कोफिशियन जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो रिग्रेशन कोफिशियन और आर के बीच में जो रिलेशनशिप है हमारा वो अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई है ये अभी इन डिटेल आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में द साइन ऑफ आर बी एक्स वाई एंड बी एक्स बी वाई एक्स आर सेम इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन आर इज इक्वल्स टू जीरो अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आर की वैल्यू ज़ीरो होगी यानी कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा पर अगर आर की वैल्यू जीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट हो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू आर स्क्वायर द स्क्वायर कोरिलेशन रिलेशन इज़ रिफर्ड टू एज कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन वाइल वन माइनस आर स्क्वायर आर कोफिशेंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्वानिटी अंडर रूट ऑफ वन माइनस आर स्कवायर इज रिफर्ड टू एज कोफिश एलिनेशन बिलो दिटेशन ऑफ वैल्यू अब आर की वैल्यूज हमारे पास प्लस वन आ रही है माइनस वन आ रही है या जीरो आ रही है या बीच में जैसे अभी आई थी उस तरीके से आ रही है तो इन सबके क्या इंटरप्रिटेशन है इफ आर इज इक्वल टू प्लस वन इट मींस द रैंडम वेरिएबल वाई इस प्रपोर्शनल टू एक्स विच इफेक्ट विच इंश्योर्स परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन दिस केस ऑल पॉइंट इन टू स्केटर डाइग्राम लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्राम लेफ्ट बॉटम टू द राइट बॉटम मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर ही हमारे स्कैटर डाइग्राम के सारे डॉट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर ही आएंगे इफ रहा है सेम उ वैल्यूज भी हमारी इंक्रीज कर रही है इफ आर इक्वल्स टू माइनस वन इट मीन्स रैंडम वेरिएबल वाई डिक्रीज विद्रीज इन एक्स एंड वाई से वर्सा यानी कि वाई इंक्रीज कर रहा है तो एक्स डिक्रीज कर रहा है और एक्स डिक्रीज एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई अगर y डिक्रीज कर रहा है तो x इंक्रीज कर रहा है और अगर y इंक्रीज कर रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है देयर इज परफेक्ट निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑल द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसमें भी सभी पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम के उस स्ट्रेट लाइन पर ही होंगे पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा द वैल्यू आर इज इक्वल्स टू जीरो कन्फर्म्स द लेक ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स all the points are scattered on the graph and hardly any these points lies in the straight line straight line ke charo taraf ek isse pehle ek dikhaya tha graph humne r is equals to 0 ka ye zero correlation figure 3 ye zero correlation hai और same positive positive correlation कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन को फिगर वन और फिगर टू से समझ सकते हैं यही चीज़ अभी जो इन थी लगभग यही है नाउ इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द कोरिलेशन कोफिशेंट कोरिलेशन कोफिशियन का क्या इफेक्ट ओरिजिन और स्केल अगर हम चेंज करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हम लोग मीन के केस में भी पढ़ चुके हैं वेरियंस के केस में भी पढ़ चुके हैं मीन के केस में होता है कि इफेक्ट करता है ओरिजिन और स्केल अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यूज जो है वो आ, वो इफेक्ट करता है हमारे मीन को नेक्स्ट मीन को तो सपोज लेट सपोज इज इक्वल सी एंड माइनस बी अपॉन डी वेयर ए बी सी एंड डी आर फोर आर्बिट्रेरी चूज एन कॉन्स्टेंट ए और बी को हम स्केल ए और बी हमारे ओरिजिन हो जाते हैं और सी एंड डी के जो है उसे हम स्केल कह सकते हैं वी हैव पेयर ऑफ वैल्यूज द न्यू वेरिएबल तो अगर हम न्यू वेरिएबल के लिए जाते हैं तो यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी एंड वी आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस बी अपॉन डी और एक्स आई की वैल्यू अगर हम इस फॉर्म में ले लिया कि एक्स आई की वैल्यू क्या हुई हम, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो एक्स आई हो गया ए प्लस सी यू आई और एक्स बार सिमिलरली हमने एक्स बार मीन निकाला है तो मीन हो गया हमारा ए प्लस सी यू बार सेम वाई केस में वाई आई वाई बार इज इक्वल्स टू इस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट कर लिया को वेरियंस के फॉर्मूले में हमने उसको पुट किया तो को वेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या की वैल्यू आती है सी डी को वेरियंस ऑफ यू वी यानी सी डी जो कि हमारा स्केल है वो इसे इफेक्ट कर रहा है ओरिजिन इफेक्ट नहीं कर रहा है वेरियंस भी स्केल इफेक्ट कर रहा है ओरिजिन इफेक्ट नहीं कर रहा है वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेरियंस ऑफ यू एंड वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वी यानी ओरिजिन कहीं भी इफेक्ट नहीं किया हर जगह स्केल इफेक्ट कर रहा है इसमें इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दिया तो फॉर्मूला आया हमारा एक्स वाई को को रिलेशन कोफिशियंट आर एक्स वाई इज इक्ल्स टू सी डी डिवाइडेड बाई मॉडुलर साइन सी डी आर यू वी तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा आ गया इट मींस uh, ये इंडिपेंडेंट नहीं है स्केल जो है इफेक्ट कर रहा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है या yeah, प्रॉपर्टीज में भी ये चीज़ हमारी दी हुई थी ये प्रॉपर्टीज था इसमें इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था जो कि सिर्फ ओरिजिन था तो ओरिजिन में ये नॉट इफेक्टेड था बट स्केल के केस में ये इफेक्ट कर रहा है इफ सी एंड डी आर ऑफ सेम साइन देयर आर एक्स वाई इज टू इफ सी एंड डी आर अपोजिट साइन देन आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस आर यू वी दस द कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल इससे क्लियर हुआ क्योंकि ए और बी कहीं भी फॉर्मूले में नहीं आ रहा है केवल सी और डी आ रहा है सी और डी क्या थे वो तो सी और डी हमारे स्केल थे और ए और बी ओरिजिन था तो जो फॉर्मूला हमारा निकल करके आया पीछे आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन एब्सोल्यूट साइन सी डी आर यू वी यानी ओरिजिन इसमें ए और बी की वैल्यू कहीं भी नहीं फाइंड कहीं भी नहीं आ रही है तो स्केल जब चेंज करते हैं तो हमारे को ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको इक्वल करने के लिए तो इसका मतलब हुआ द कोफिशियट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट दे आर अनकोरिलेटेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू एज एंड वाई आर इंडिपेंडेंट को वैरेंस ऑफ वाई एक्स एंड वाई विल बी जीरो आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो दस वेन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हाउ एवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू अगर हमारा वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स और वाई अगर हमारे इंडिपेंडेंट है तो आर की वैल्यू ज़ीरो होगी पर अगर आर की वैल्यू हमारे ज़ीरो आ रही है तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो वो किसी और रीज़न से भी वैल्यू ज़ीरो आ सकती है अब इससे पहले भी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड्स पढ़े थे मीन के केस में वेरिएंस के केस में या कुछ भी फाइंड आउट करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड्स हैं जैसे कि अगर फार्मूले में हम पुट अप करते हैं वैल्यूज़ को कि डी एक्स इज ऐस माइनस ए और डी वाई इज ठू वाई माइनस बी तो इस तरीके से फार्मूला फॉमूले में जो चेंज होता है वो इस तरीके से चेंज होता है एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम उसे समझ लेते हैं x की वैल्यूज़ और ये हम यूज़ कब करते हैं जब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ ज़्यादा होती है बड़ी वैल्यू होती है बिग वैल्यूज़ होती हैं और उसको हम कैलकुलेशन uh, करने के लिए उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं x की वैल्यूज़ सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स अप टू ट्वेंटी सेवन है y की वैल्यूज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव अप टू थर्टी थ्री है तो हमने इसका स्केल चेंज ओरिजिन चेंज कर दिया ओरिजिन चेंज करने के बाद हमारे आर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए यह यहाँ पर हमने ओरिजिन चेंज किया अगर स्केल चेंज करते हैं तो फार्मूले में हमें सी और डी डिवाइडेड बाई मॉडल सी डी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पर हमने सिर्फ ओरिजिन चेंज किया है डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया एक्स में ट्वेंटी थ्री और y में एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया 27, उससे y के सारी वैल्यूज़ को और x की सारी वैल्यूज को माइनस किया तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं x की वैल्यूज टेबल फॉर्म में लिखी हैं y की वैल्यूज टेबल फॉर्म में लिखी है dx की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली कैसे x माइनस ट्वेंटी थ्री यानी कि 17 माइनस ट्वेंटी थ्री अगर हमने किया तो माइनस सिक्स आया नाइनटीन माइनस ट्वेंटी थ्री किया तो माइनस फोर आया ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री किया तो माइनस टू आया

25 minus 27 27 27 27 27 2, 26 1, 0, 33 6. डी dx dx की वैल्यू जो हमारे पास आई उसका हमने स्क्वायर कर दिया माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस सिक्स दोनों पॉजिटिव साइन स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू विच इज फोर इसी तरीके से हम करते चले गए और लास्ट में समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया क्योंकि फॉर्मूले में समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है इसी तरह से y का अगर हम करें डी वाई स्क्वायर केस में डीवाई के वैल्यूज हमारे पास गिवन है डी वाई है पहला माइनस फोर

थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को आपस में रो वाइज मल्टीप्लाई कर देना है माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर विच इज ट्वेंटी फोर माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गए माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो विच इज़ जीरो माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू विच इज़ फोर सिमिलरली इसी तरीके से करते चले गए लास्ट था फोर मल्टीप्लाइड बाई सिक्स विच इज़ ट्वेंटी फोर और इन सब का टोटल जो आया वो फोर्टी एट आया यानी कि summation of dx dy is equals to 48. ये हमारा आर का फॉर्मूला था Correlation coefficient का इस में हमने सारी वैल्यूज को अप कर दिया सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज आई जीरो पॉइंट फाइव वन सेवन और ये हमारा आंसर सही हो सकता है क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में एग्जिस्ट कर रही है यानी कि पॉइंट फाइव वन सेवन की जो वैल्यू है वो प्लस वन के अंदर ही है इसलिए ये आंसर हमारा सही हो सकता है कैलकुलेशन अगर सही है तो ये आंसर हमारा सही है अब इस पूरी यूनिट को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या लर्न करा क्या क्या सीख लिया हमने या क्या क्या इस पूरी यूनिट में हमने पढ़ा उसको देख सकते हैं कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन कोफिशेंट इज़ द मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप Between two variables x and y, which is defined as covariance of x y divided by under root of variance of x multiplied by variance of y. This is also known as product movement correlation coefficient of Carl Pearson correlation of coefficient of correlation, and if the relationship x and y is such that by increasing or decreasing one variable, other also increase or decrease that is changes in the same direction correlation is said to be positive otherwise negative when observations are taken on two variables x and y over a group of individual or units and these values are plotted on the graph by putting a point for a pair of observation of an individual or unit the figure thus obtained is called a scattered or dot diagram दिस डाइग्राम गिव्स ए रफ आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स मतलब कि स्केटर डायग्राम को देखने के बाद भी हमको एक आइडिया लग सकता है कि हमारा जो ये पॉइंट्स हैं या जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है लीनियर रिलेशनशिप है नॉन लीनियर है uh, कैसा हमारा डायग्राम शो हो रहा है और अगर लीनियर रिलेशनशिप अगर उसमें दिख रहा है कि स्केटर डाइग्राम हमारा लीनियर है तो ज़ीरो कोरिलेशन दिख रहा है उसमें या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है या नेगेटिव शो कर रहा है सबकी फ़िगर्स एक स्पेसिफिक फ़िगर्स दी हुई थी तो वो क्या शो कर रहा है वो काफ़ी कुछ स्कैटर डायग्राम से भी हमें पता चल सकता है इस तरीके से इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये, ये देखा कि बायो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्कैटर डायग्राम क्या होता है किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं कोरिलेशन कोफिशियन हम कब यूज़ करते हैं किस लिए उसका यूज़ किया जाता है और लीनियर कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन को निकालने के लिए हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशेंट को यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी उसका फार्मूला क्या होता है किस तरीके से वो फार्मूला आता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियट जिसको कि हम आर से डिनोट कर रहे हैं उसकी लिमिट्स क्या क्या हैं माइनस वन होने पर अगर आर की वैल्यू माइनस वन आ रही है तो इट मीन्स हमारा जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट निगेटिव है अगर आर की वैल्यू प्लस वन आ रही है इट मीन्स कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव है और अगर आर की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि एक्स और वाई या जो दो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को आज इस यूनिट में स्टडी किया है साथ ही हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो कोरिलेशन कोफिशेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो जो कि हम नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो कोरिलेशन कोफिशेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बट अगर हम स्केल को चेंज कर देते हैं तो कोरिलेशन कोफिशेंट हमारा कुछ चेंज होता है तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को करने के बाद इस यूनिट में हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन रिलेशन कोफिशेंट को फाइंड आउट किया है जिसको कि आगे आप कुछ और एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो कि हमारे एस में दिए गए हैं उनको या फिर अदर सोर्सेस से आप उसको लेकर के उसकी स्टडी कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं थैंक यू